हेलो दोस्तों, हमारी कैसे आप सभी स्टडी यूट्यूब का चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं 23 अगस्त 2019 करंट अफेयर के सवाल और जवाब। हिंदी में प्रकाशित किए गए सभी करंट अफेयर प्रश्नोत्तरी आने वाले एसएससी यूपीएससी बैंक रेलवे कलर पीओ की परीक्षा के लिए सहायक होंगी। 23 अगस्त 2019 करंट अफेयर के बारे में दोस्तों यदि आपका कोई प्रश्न है तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर पहुंचाएं। 23 अगस्त 2019 महत्वपूर्ण समय की करंट अफेयर प्रश्नोत्तरी हिंदी भाषा में। प्रश्न नंबर एक, निम्न में से किस बैंक ने प्रोसेसिंग फीस माफ करने और प्री अप्रूव्ड डिजिटल लोन के लिए कई घोषणाएं की हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उत्तर दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल में ही प्रोसेसिंग फीस माफ करने और अप्रूव्ड डिजिटल लोन के लिए कई घोषणाएं की हैं। बैंक ने कार लोन, प्रोसेसिंग फीस नहीं लेने और होम लोन, एजुकेशन लोन और ब्याज दर को लेकर कई घोषणाएं की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो, भारत के किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? पंजाब, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश। उत्तर दोस्तों मध्य प्रदेश। यहाँ भारत के मध्य प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल बोरा का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थे। वर्ष 1974 से 2013 तक दक्षिण भोपाल और गोविंदपुरा सीट से लगातार 10 बार विधायक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल का पहला विस्तार करते हुए कितने मंत्रियों को शपथ दिलाई? 15 मंत्री, 18 मंत्री, 23 मंत्री, 28 मंत्री। सही जवाब है दोस्तों 23 मंत्रियों ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने हाल में ही अपने मंत्रिमंडल का पहला विस्तार करते हुए 23 मंत्रियों को शपथ दिलाई, जिसमें 18 नए चेहरे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में 6 कैबिनेट और 6 स्वतंत्र प्रभार और 11 राज्य मंत्री शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चार, निम्न में से किसने DLF के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है? संजय वर्मा, KP सिंह, संदीप सिंह, विवेक शर्मा। उत्तर है दोस्तों KP सिंह। यह KP सिंह ने हाल में ही DLF के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वे अभी कंपनी के गैर कार्यकारी चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे। KP सिंह का जन्म 15 अगस्त 1931 को हुआ और उन्होंने 2010 में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है पाँच, सभी अर्धसैनिक बलों में सभी रैंक के कर्मियों के लिए किसने सेनावर्ती आयु 60 वर्ष तय की है? सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, केंद्र सरकार, नीति आयोग। उत्तर है दोस्तों केंद्र सरकार। जी हां, केंद्र सरकार ने हाल में ही सभी अर्धसैनिक बलों के सभी रैंक के कर्मियों के लिए सेनावर्ती आयु 60 वर्ष तक तय की है। यह फैसला CRPF, BSF, SSB, CISF और असम राइफल्स में लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर छः, नामीबिया क्रिकेट टीम के बल्लेबाज JP कटेज की T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खालिस्तान खिलाड़ी बन गए हैं? पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। उत्तर दोस्तों चौथे। जी हाँ, नामीबिया क्रिकेट टीम के बल्लेबाज JP कोटेज T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने नामीबिया और बोत्सवाना के बीच हुए T20 मैच में 43 गेंदों से 101 रन बनाए और इस पारी में उन्होंने 6 छक्के 9 चौके लगाकर इस दौरान इनका स्ट्राइक रेट 234.88 का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सात, वेस्टइंडीज टीम के किस खिलाड़ी को वर्ष 2019 का बेस्ट टेस्ट खिलाड़ी चुना गया है? क्रिस गेल, जेसन होल्डर, आंद्रे रसेल, शाई होप। उत्तर है दोस्तों जेसन होल्डर। जी हाँ, वेस्टइंडीज टीम के कप्तान जेसन होल्डर को वर्ष 2019 का सबसे बेस्ट खिलाड़ी साई होप को वनडे का बेस्ट खिलाड़ी चुना गया है। साथ ही कीमोपाल को T20 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार सम्मानित किया गया है और रखीम कॉर्नवाल को वेस्टइंडीज चैंपियनशिप प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का वीडियो का करंट अफेयर। अगर आपको करंट अफेयर की वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने विवादित फील्ड कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल शवेंद्र सिल्वा को नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया है? चीन, अमेरिका, अफ्रीका, श्रीलंका। उत्तर दोस्तों श्रीलंका। यहाँ श्रीलंका ने हाल में ही विवादित फील्ड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शवेंद्र सिल्वा को नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया है। श्रीलंका के इस फैसले से अमेरिका ने गहरी चिंता जताई है। लेफ्टिनेंट कर्नल शवेंद्र सिल्वा और उनकी ब्रिगेड
पर आम नागरिकों अस्पतालों में फंसे हुए तमिल नागरिकों को की जा रही रसद आपूर्ति रोकने का आरोप है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।